हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको कोई भी बैंक है, जैसे आपके पास कोई भी बैंक में खाता है, चाहे वो इंडियन बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या SBI हो, सेंट्रल बैंक हो, या मतलब आपके पास जो भी बैंक है, तो आपके पास ऐसा दो पर्ची मिलता होगा। बैंक के अंदर जाते होंगे तो कुछ ऐसा आपको दो पर्ची दिया होता है, या आपको इसका जरूरत होता है, या तो आपको इसका जरूरत होता है, या आपको दोनों का जरूरत होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इसी को फिल कैसे करना है, मतलब इसको कैसे फॉर्म को भरना है। बहुत लोगों को दोस्तों यहाँ पे जाते हैं बैंक में तो बहुत लोगों को भरना नहीं आता है, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन लोगों के जो पर्ची है, जो फॉर्म है, जिसको भरना नहीं आता है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। जिससे कि दोस्तों ये वाला पर्ची का क्या नाम है और ये वाला पर्ची का क्या नाम है, वो भी इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, और इसमें भर के भी दिखाऊंगा, दोनों पर्ची को भी भर के दिखाऊंगा, और इस पर्ची का क्या क्या नाम है सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर बैंकिंग के रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग बैंक में जाते हैं और बैंक में जाते ही भूल जाते हैं कि हमें कौन सा पर्ची लेना है, हमें पैसा निकालना है या भेजना है, या हमें पैसा अपने बैंक में जमा करना है, तो आज की इस वीडियो में आप लोग को इसी पर्ची के बारे में बताऊंगा, इसी फॉर्म के बारे में बताऊंगा, इसे फिलअप कैसे करना है और इसमें क्या क्या आप लोग को भरना होता है। तो जो लोग नए हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सनी कुमार गुप्ता विदाउट फनी टू के दोस्तों आप लोग देख रहे हैं टेक सनी। अभी तो दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तुरंत जाकर फॉलो कर सकते हैं। मन में कोई भी सवाल होता है तो नीचे दिए कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग को पता है कि हमारे चैनल पर अभी बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और बहुत सारी जानकारी अभी उपलब्ध हो रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो को डिटेल में आप इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसे दोस्तों आपके सामने दो पर्ची देखने को मिल रही होगी, जैसे कि ये पर्ची आप लोग को देखने को मिल जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं जमा पर्ची। ठीक है, और दोस्तों इसको बोलते हैं निकासी पर्ची। आप किसी भी बैंक में जाइए, जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक में दोस्तों ऐसा आपको ऑप्शन देखने को मिल जा रही होगी कि आपके सामने यहाँ पे दो पर्ची देखने को आप लोग को मिल जा रही होगी। तो इसी पर्ची में दोस्तों हम सबसे पहले बोलते हैं इसको निकासी फार्म। जैसे कि हम बैंक में जाते हैं तो हमको पैसा निकालना होता है, तो हम इस फार्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस पर्ची को कौन कौन लोग यूज करते हैं तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस पर्ची का आप लोग कोई भी व्यक्ति से यूज कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर आपका खाता किसी भी बैंक में है, कोई भी व्यक्ति, मतलब यहाँ पे बात करें तो आप लोग को यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है, आपके अकाउंट में पैसा डाल सकता है, तो इसको दोनों को भरने का प्रोसेस सेम ही है। तो हम चलेंगे बात करेंगे सबसे पहले जमा निकासी पर्ची की बात करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पे निकासी पर्ची में आप लोग को क्या भरना है, तो मैं आप लोग को मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे ही भरने के लिए बता रहा हूँ, तो भरने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोग को इसकी डिटेल डालना है। जैसे मान लीजिए आज 8 तारीख है, तो यहाँ पे 8, ठीक है, सॉरी दिनांक यहाँ पे डालना है, मैं पहले ही गलती कर दिया। दिनांक यहाँ पे डालना है 8/8/7 का महीना है, 8/7/2023। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहला तारीख डालना है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि पैसा डालना है। पैसा कितना डालना है, चलिए मान लीजिए यहाँ पे 10,000 रुपया मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 10,000 रुपया लिख दिया कि हमें 10,000 रुपया मतलब निकालना है। ठीक है, अभी किसको निकालना है, जैसे मेरा अकाउंट है, मैं अपना यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और जो भी यहाँ पे लिखना है आप लोग को, तो शब्दों में यहाँ पे लिख देना है 10,000 रुपये मात्र। ठीक है, आप कोई भी शाखा में जाइए, कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी बैंक में जाइए, तो आप लोग को ये वाला पर्ची जरूर देखने को मिल रही होंगे, चाहे आप कहीं भी हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है कि अपना अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर हो वो आप लोग को लिखना है। ठीक है, याद रखिए कि आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ से लिखना है, जो भी बैंक में आपका खाता है। ठीक है, तो आप ऐसे अकाउंट नंबर को आप फिल कर सकते हैं और यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ब्रांच का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी आपका ब्रांच है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना ब्रांच का नाम। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे सिग्नेचर डालना है, दो सिग्नेचर यहाँ पर डालना है, और यहाँ पर जो भी सिग्नेचर है, दो सिग्नेचर यहाँ पर डालने के बाद आप वहाँ पर बैंक में जमा कर सकते हैं। अब नोट कौन सा चाहिए, अभी 2,000 का तो मान लीजिए बंद हो रहा है, 500 का, 10,000 का बात करें तो 500 का मान लीजिए कि 4 डाल दीजिए तो 2,000 हो गया, 2,000 का 20, 2,000 का आप यहाँ पे 10 डाल दीजिए तो ये भी 2,000 हो गया। ठीक है, 100 का हो गया तो यहाँ पे 60 डाल दीजिए, ठीक है, तो 6,000 हो गया। ठीक है, तो आप लगा चाहे यहाँ पे 2, 5 के 2, यहाँ पे 20, 2,000 हो गया, यहाँ पे भी 2,000 हो गया, और यहाँ पे 6,000 हो गया। ठीक है, ऐसा ऐसा लिखने के बाद आप लोग को यहाँ पर लिखना है, आपको टोटल कैसे यहाँ पर लिख देना है 10,000 रुपये मात्र। ठीक है, और आपको ये अपने बैंक में और अपने पासबुक के साथ इसको दे देना है और आसानी से आपका ये विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो निकासी फार्म होता है, तो निकासी फार्म इसको याद रखिए, इसको हम बोलते हैं निकासी फार्म। ये आसानी से आप लोग को आपके बैंक के ब्रांच में किधर भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग निकासी फार्म, याद रखिए निकासी फार्म है। इसका काम कंप्लीट हो गया, ये अपने बैंक में देना है और पैसा निकालने वाला है, इसे आप पैसा को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका काम अभी खत्म हो गया है, अब हम बात करेंगे इस वाले पर्ची के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों ये वाला जो पर्ची है इसको आप कोई भी भर सकते हैं, जिनको आप भरना चाहते हैं तो वो भी इसको भर सकते हैं। अब इसमें भरना क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी वाला पर्ची यहाँ पे बात करें तो आज का जो तारीख है 8
ठीक है, 7/2023। आपका अकाउंट नंबर जो भी है, आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे डाला जाएगा, तो आपका अकाउंट नंबर डाला हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। कोई मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब जो भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको आपके अकाउंट में कितना पैसा जमा करना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे 15,000 रुपया लिख दे रहा हूँ। अमाउंट यहाँ पे लिखा है राशि इन शब्दों में, ठीक है, यहाँ पे लिख देना है आप लोग को, शब्दों में यहाँ पे लिख देना है 15,000 रुपये। इसको इंग्लिश में भी भर सकते हैं और हिंदी में भर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे हिंदी में भर रहा हूँ, आप यहाँ पे इंग्लिश में भी भर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास कितना कौन सा नोट होगा वो यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी आपके पास नोट हो, या आपके पास मान लीजिए यहाँ पे बैंक है, बैंक का नाम यहाँ पे लिख देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक आपको लिख देना है। आपका एड्रेस डाल देना है बैंक के इसी में। टोटल यहाँ पे 15,000 रुपये जमा करना है वो याद रखिएगा, और यहाँ से टोटल कर लीजिएगा, और आपका यहाँ पे वो करेगा, ठीक है, जो भी सिग्नेचर करना है वो करेगा, ठीक है। ब्रांच कौन सा बना, ब्रांच में डालना है यहाँ पे ब्रांच का नाम लिख दीजिएगा। ये वाला फॉर्म हो गया दोस्तों, ये एक छोटा वाला फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे बड़ा वाला बात करेंगे, ठीक है। और मान लीजिए 500 का मेरे पास 10 हो गया है, ये 500 × 10 यहाँ पे लिखूंगा, तो ये हो गया 5,000 रुपया। यहाँ पे इसको 25 लिख दे रहा हूँ, 2,000 वाला कितना लिखेंगे तो 20 लिख दिया यहाँ पे, तो ये भी 4,000 रुपया हो गया, तो ठीक है 5×9 हो गया। और यहाँ पे जो भी लिखना है 60 लिख दीजिए यहाँ पे इसको भी, ये भी 6,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे टोटल करना है, टोटल यहाँ पे 15,000 रुपये डालना है, और यहाँ पे एक कर देना, ठीक है। यहाँ पे भी सेम नाम डालना है जो आप पीछे वाला पर्ची में डाले थे, अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे फिल कर देना है, आपका पूरा पता डालना है, जो भी पता है वो यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे शब्दों में लिखना है, जैसे पिछले वाला में लिखे हैं पर्ची में, तो आपको यहाँ से इसको फिल कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे भी सेम आपको जो रहेगा टोटल आप लोग को वो लिख के देगा, तो आपको वो फिल कर दे देगा। आपका जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पे फिल होगा, मैं पहले भी दिखाया था, उसमें भी दिखाया और निकासी वाले में भी दिखाया, तो आपको ऐसा कर देना है, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना है, डेट किस डेट को आप पैसा डाल रहे हैं वो लिख देना है यहाँ पे। बहुत लोगों को पता नहीं होता, बैंक में जाने के बाद भूल जाते हैं, जो जो भी आपका शाखा है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। बस इतना ही सा आप लोगों को काम करना है। आपको बैंक में क्या करेंगे, जब भी जाएंगे तो आपको बैंक वाला क्या करेगा कि पर्ची क्या करेगा, ऐसा फाड़ेगा और एक पर्ची अपने पास रखेगा, और जो भी आपके अकाउंट में जितना पैसा है वो इसे जमा करेगा और ये अपने पास रख लेगा, और दूसरा वाला में मोहर मार के आप लोग को ये भी दे देगा, जो ऐसा वाला मोहर होता है उसको मार के, और जो भी आपका नाम है यहाँ पे फिल करके वो दे। जरूरी नहीं कि नाम हमारा ही हो सकता है, अगर आप अपना डाल रहे हैं तो अपना भी डाल सकते हैं, अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि आप निकासी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जैसे मैं पहले बताया निकासी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और ये वाला भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोग को पूरी डिटेल में ये बताया कि आप बैंक में जाते हैं तो इस फॉर्म का नाम क्या है, तो इसको निकासी फॉर्म बोलते हैं, इसको जमाकर्ता फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो आप कोई इसको कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन इसको जो बैंक में पैसा उतारने जाएगा वो इसको यूज कर सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में आप लोग बताया कि कोई भी बैंक में जाते हैं तो आप लोग को दो पर्ची दिया जाता है, एक निकासी फॉर्म और एक जो कि निकालने वाला, एक निकासी फॉर्म और एक जमा फॉर्म मिलता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को पूरी डिटेल में आप लोग को इसी को भरने के बारे में बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, ताकि ऐसे ही आप लोगों को बैंकिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आप दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।